नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, द मेन्स हॉकी टीम, रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया, इन एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीत के और दिखाया कि इंडिया के एथलीट्स किसी से कम नहीं है। इन एथलीट्स की सफलता से इस साल इंडिया ने अपनी 2012 लंदन ओलंपिक्स की मेडल टैली तोड़ी, 7 मेडल्स जीत के, द मोस्ट एवर वन बाय इंडिया एट एनी एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। और इनके अलावा हमारी महिला हॉकी टीम, अदिति अशोक, दीपक पुनिया और चैंपियन एमसी मेरी कॉम ने भी सर ऊंचा किया देश का। दोस्तों, ओलंपिक्स सदियों से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है क्योंकि यहां दुनिया के टॉप एथलीट्स क्वालिफाई होते हैं। मतलब कॉम्पिटिशन अलग लेवल का है, हाइएस्ट लेवल का। इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बाई विच एथलीट्स आर जज्ड। अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करियर में मैंने कभी लाइव किसी देश में जाके ओलंपिक्स कवर नहीं की, मगर 3 ओलंपिक्स की ऑनलाइन कवरेज की है मैंने अलग वेबसाइट्स के, और इस बीच कहीं ओलंपियन से मेरी बात हुई। पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विजय कुमार, रानी रामपाल, सविता पुनिया, साइना नेहवाल, किदंबी श्रीकांत, श्रीजेश, हमारे मेन्स हॉकी टीम के सुपरस्टार गोली रुपिंदर पाल सिंह, दुती चंद, इनमें से कुछ नाम ये हैं। और हर बार इनसे मिलकर इतनी खुशी मिलती है क्योंकि जो एथलीट देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करता है उनकी बात अलग होती है, फख्र होता है इन्हें देख के। दे इंस्पायर यू लाइक नोबडी एल्स कैन। फॉर मी 3 इमेजेस स्टैंड आउट फ्रॉम द टोक्यो गेम्स। 1, नीरज चोपड़ा का फाइनल। जैसे ही नीरज के हाथ से जैवलिन निकला तुरंत उन्हें पता चल गया कि वो गोल्ड जीते और उनकी सेलिब्रेशन देख के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर जब वो अपने कंधों पे तिरंगा लहराकर स्टेडियम के किनारे भागे बाकी हिंदुस्तानियों को एक्नॉलेज करते हुए तो आंख में आंसू आ। 2, श्रीजेश को गोल के ऊपर बैठे हुए देख, मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, जो देश का पहला ओलंपिक हॉकी मेडल है 1980 के बाद, एक बच्चे के तरह जो इतना खुश है एक गोली मैदान को देखते हुए, उस एक तस्वीर में देख के आंखों में नमी आ। और 3, हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मैच के बाद रोते देखना, मतलब उस एक पल में आपको एहसास हुआ कि वो रिजल्ट उनके लिए कितने मायने रखते और उनके रोते देख खुद पिघल जाना। हैट्स ऑफ टू रानी रामपाल एंड ऑल हर रानीज। सच में आप सभी ने देश का नाम रोशन किया टोक्यो। जैसा कि आप जानते होंगे 35 दिन से मैं फैमिली के साथ लैंडाउ और मसूरी में था और इस बीच ओलंपिक्स शुरू हुए। अब सारे मैचेस और इवेंट्स नहीं देख सका मगर हाइलाइट्स देखे बाद में मोस्ट ऑफ द इवेंट्स के जो मैंने मिस किए थे। और अकॉर्स सोशल मीडिया पे इतने सारे क्लिप्स और वीडियोस भी देखे। दोस्तों सच कहो तो मेन्स हॉकी टीम की ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच नहीं देख सका मगर उनका क्वार्टर फाइनल मैच देखा मैं ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट। और क्या खेले अपने लड़के, वाह। सच में दोस्तों हॉकी देखने में अलग मजा है, द स्पीड, द एथलेटिसिज्म। उसी के साथ सिंधु के 2 मैच देखे इंक्लूडिंग हर ब्रॉन्ज मेडल मैच और हमारे रेसलर्स के काफी बाउट्स भी देखे मैंने। भारत को अपनी पहली मेडल मिला मीराबाई चानू से जिन्होंने वुमेन्स 49 kg वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर जीता। वो इवेंट मेहा और मैंने देखा हमारे लैंडावर वाले घर से एक छोटे से बंक बेड पे बैठ के, और देख के दोनों इतने खुश हुए मीराबाई चानू के लिए। अब सोचिए मीराबाई चानू हिंदुस्तान की सिर्फ 2 वेट लिफ्टिंग मेडलिस्ट बनी कर्णम मलेश्वरी के बाद 2000 में। बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। सोचिए क्या और मेडल ला सकते थे। बिल्कुल, हमारी महिला हॉकी टीम कितनी करीब थी जीत से। अदिति अशोक को देखिए, ब्रॉन्ज मेडल के बहुत क्लोज थे। दीपक पुनिया वो भी जीतते जीतते हार गए और मेरी कॉम सो क्लोज। क्या और मेडल्स आने चाहिए थे? जरूर। क्या हमें सिर्फ 7 मेडल से खुश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए दीपिका कुमारी महिला आर्चर्स में से नंबर 1 थी, मनु बाकर अपनी शूटिंग इवेंट में नंबर 1 थी, बॉक्सिंग में
अमित फंगल अपने फ्लाईवेट कैटेगरी में नंबर वन थे। शूटिंग में सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर राइफल में सेकंड थे। हाँ, इनमें से कुछ एथलीट्स यंग हैं और अपने पहले ओलंपिक्स गेम में हिस्सा ले रहे थे। उम्मीद है ऑफकोर्स कि आगे सालों में ये मेडल्स जीतेंगे देश के। मगर जब इतने एक्सपेक्टेशंस थे उनसे और वो चूक गए टोक्यो, तो सवाल उठने चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि युवा हैं, सीख रहे हैं। आपको सवाल उठाने चाहिए सिस्टम पे, एथलीट्स पे नहीं, सिस्टम पे, रैंकिंग्स पे, इस बात पे कि किसी शूटर का गन मेल फंक्शन क्यों और कैसे हुआ। और दोस्तों, आज के दिन हम सबको गर्व होना चाहिए उन भारतीय एथलीट्स पे जो टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं और जो बहुत करीब आए मेडल के। वी एज इंडियंस नीड टू सपोर्ट देम। और सिर्फ 4 साल बाद के ब्रेक में नहीं, जब ओलंपिक्स होते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर कॉम्पिटिशन, हर इवेंट में, क्यों हम सिर्फ 4 साल के बाद एकजुट हो जाते हैं इनको सपोर्ट करने। इन एथलीट्स को हम सभी का सपोर्ट चाहिए, हम सभी का प्यार चाहिए। तो प्लीज इनकरेज आवर एथलीट्स मोर ऑफन। एक बार फिर से मेरी तरफ से उन सभी ओलंपिक मेडल विनर्स और सभी कंटेस्टेंट्स को सलाम। यू मेड अस प्राउड। जय हिंद, वंदे मातरम।